छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी हासिल हो रही है। नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले सुकमा इलाके से नक्सली लाल आतंक से तौबा कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। सुकमा जिले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे नियद नेल्ला नार और छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का स्थानीय नक्सली लाभ ले रहे हैं। कई सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय रहकर कई बड़ी घटना में शामिल रहे तीन महिला सहित पांच नक्सलियों ने बिना हथियार के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने आए नक्सलियों के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए दी गई है। शासन के नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज जिला सुकमा में पांच बड़े नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इन नक्सलियों पर कुल 19 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों का नाम है कवासी बुला, जो प्लाटून 30 में डिप्टी कमांडर के रूप में कार्यरत था। सोड़ी बुद्रा, ये भी प्लाटून 30 में मेडिकल टीम कमांडर के रूप में काम कर रहा था। मड़कम गंगी प्लाटून 30 की सेक्शन कमांडर थी, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। ओडियम सोमड़ी, ये भी प्लाटून 30 के सदस्य के रूप में था, जिसमें 2 लाख का इनाम घोषित था। और मड़कम आयते, ये पूर्व डीबीसी के गार्ड के रूप में कार्यरत थे, इस पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सभी प्लाटून 30 के 4 सदस्यों द्वारा अपने कमांडर के शोषण और अत्याचार से परेशान होकर आत्मसमर्पण किया गया। अन्य सभी नक्सलियों से अपील करना चाहूंगा कि नक्सलवाद की खोखली विचारधारा को छोड़ किसी भी कैंप या थाना में आप आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं, और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर अधिक इनाम भी दिया जाए।